हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी पे। तो अभी हम लोग की 9:45 की ट्रेन है और 6:30 हो गए हैं। अभी हम कैब करके जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं और मम्मी और पापा और नितिन। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से और फिर हम ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन जर्नी स्टार्ट करेंगे और कल सुबह मॉर्निंग में हम कटरा पहुँचेंगे। फिर हम वहाँ से पैदल जाएंगे। तो अभी मैं आपको सारा वे दिखाऊंगी, सारी चीज़ दिखाऊंगी। वे ये मेरी फर्स्ट ट्रेन जर्नी है तो उसका भी एक्सपीरियंस करेंगे। अभी हम अपने ट्रेन ढूंढ रहे हैं। हम लोग आ गए हैं ट्रेन में, वैष्णो देवी पहुंच गए हैं, कटरा पहुंच गए हैं एक्चुअली। और वो सामने आपको अर्धकुंवारी दिख रहा है। मौसम ठीक है, अभी तो बहुत ठंडा नहीं है, पर हम लोग तो ऑल कवर्ड है। तो अभी हम लोग आए हैं ब्रंच करने। तो हमने होटल में चेक इन कर लिया था, अभी हम ब्रंच करके और वापस होटल जाके रेस्ट करेंगे। हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर दिया और अभी 6 बजे तक के आसपास हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देखो, ये अर्धकुंवारी है और भवन थोड़ा उधर है शायद, आई डोंट नो। पर अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं और अभी हम लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो लेने आए हैं। रेलवे स्टेशन पे मिलता है वो, इस हॉल के अंदर जाके, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी मैं अभी प्रोसेस बता दूंगी, अगर कोई आ रहा है तो वो देख लेना, उसको तकलीफ नहीं होगी। फोटो हो रही है। हम लोग चढ़ाई करनी हमने स्टार्ट कर दी और ये सब यहाँ पे शॉप्स हैं रास्ते में, लोग चढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है नितिन, थकान हो रही है? नहीं हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पापा जी उसी में थकावट कुछ नहीं हो रही? नहीं। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। थकान लग रही है? नहीं। पापा जी थकान? कोई थकान नहीं। आपको लग रही है मम्मी थकान? सब जोश में है। तो अर्धकुंवारी से कुछ ऐसा व्यू आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लाइट्स जलने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। हमने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचवाई और फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और आगे चलते हैं। अभी हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ें फ्री मिलती है, कंबल फ्री, कमरा फ्री और पानी फ्री, अंदर जाने का जो टिकट है वो भी फ्री, सब कुछ फ्री है यहाँ पर। हम लोगों ने टिकट ले लिया, हमारा 12 घंटे वेटिंग आई है। तो अभी हम पहले ऊपर भवन जा रहे हैं, आते हुए फिर यहाँ पर आएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। थकान हो रही है? नहीं नहीं नहीं, पता भी नहीं चल रहा। पता भी नहीं चल रहा? नहीं। आते हुए लगेगा पता। तो अभी भवन 2.5 किलोमीटर बचा है बस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थकान? पापा जी आपको? कोई थकान नहीं है, कोई थकान नहीं है। अभी हम लोग नहा के आ गए हैं सब लोग। बहुत ठंडा पानी था, बहुत ही ज्यादा ठंडा। और अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। मम्मी ने भी नया सूट पहन लिया, सबने नए कपड़े पहन लिए। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता तो उसका क्लिप तो नहीं है। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अभी हम लोग दर्शन तो हमने सुबह सुबह ही कर लिया था, उसके बाद हमने नाश्ता किया। तो और फिर अभी हम ये भैरव जी के जाने के लिए केबल कार की लाइन में खड़े हैं। तो इस केबल कार में हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। तो ये अब मुझे याद नहीं है कि बहुत आई थिंक 300 या 200 रुपये में बहुत ही मिनिमल चार्जेस होता है इसका, और ये ऊपर लेके जाती है और वापस लेके आती है।
तो अभी हमने भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं और मंदिर के बाहर कुछ ऐसा व्यू था बहुत ही अमेजिंग। हालांकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे दर्शन करने के बाद, तो यहाँ से आपको भवन दिखेगा तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था। तो जब हम नीचे उतर रहे थे तो ये बहुत सारी शॉप्स थी जिनके अंदर ये मसाज चेयर्स थी, तो यहाँ पर हमने एक एक करके सबने मसाज ली और मम्मी से तो वो सहन नहीं हुई तो मम्मी बीच में ही उठ गई। तो यहाँ पे हमारी जर्नी समाप्त होती है और वैष्णो देवी का ट्रिप हमारा बहुत बहुत अच्छा रहा। तो अभी हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं वापस। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।